किसी गांव में दो साधु रहते थे। वे दिन भर भीख मांगते और मंदिर में पूजा करते थे। एक दिन गांव में आंधी आ गई और बहुत जोरों की बारिश होने लगी। दोनों साधु गांव की सीमा से लगी एक झोपड़ी में निवास करते थे। शाम को जब दोनों वापस पहुंचे तो देखा कि आंधी तूफान के कारण उनकी आधी झोपड़ी टूट गई है। यह देखकर पहला साधु क्रोधित हो उठता है और बुदबुदाने लगता है, भगवान तू मेरे साथ हमेशा ही गलत करता है। मैं दिन भर तेरा नाम लेता हूँ, मंदिर में तेरी पूजा करता हूँ, फिर भी तूने मेरी झोपड़ी तोड़ दी। गांव में चोर लुटेरे झूठे लोगों के तो मकानों को कुछ नहीं हुआ, बेचारे हम साधुओं की झोपड़ी ही तूने तोड़ दी। ये तेरा ही काम है, हम तेरा नाम जपते हैं पर तू हमसे प्रेम नहीं करता। तभी दूसरा साधु आता है और झोपड़ी को देखकर खुश हो जाता है, नाचने लगता है और कहता है, भगवान आज विश्वास हो गया तू हमसे कितना प्रेम करता है। ये हमारी आधी झोपड़ी तूने ही बचाई होगी, वरना इतनी तेज आंधी तूफान में तो पूरी झोपड़ी ही उड़ जाती है। ये तेरी ही कृपा है कि अभी भी हमारे पास सर ढकने को जगह है। निश्चित ही ये मेरी पूजा का फल है, कल से मैं तेरी और पूजा करूंगा। मेरा तुझ पर विश्वास अब और भी बढ़ गया है, तेरी जय हो। मित्रों, एक ही घटना को एक ही जैसे दो लोगों ने कितने अलग अलग ढंग से देखा। हमारी सोच हमारा भविष्य तय करती है। हमारी दुनिया तभी बदलेगी जब हमारी सोच बदलेगी। यदि हमारी सोच पहले वाले साधु की तरह होगी तो हमें हर चीज में कमी नजर आएगी, और अगर दूसरे साधु की तरह होगी तो हमें हर चीज में अच्छाई दिखेगी। अतः हमें दूसरे साधु की तरह विकट से विकट परिस्थिति में भी अपनी सोच सकारात्मक बनाए रखनी चाहिए। धन्यवाद।